स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में एसी वोल्टेज एंड करंट मेजरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE201। देखिए, एसी वोल्टेज और करंट मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोडायनोमीटर इंस्ट्रूमेंट क्या है देखें, जो कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए, इसमें एक फिक्स्ड कॉइल होती है, जैसा कि ये दिखा रखा है। ये फिक्स्ड कॉइल टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। देखिए, ये दो पार्ट है फिक्स्ड कॉइल के, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। और एक मूविंग कॉइल होगी, जैसा कि पहले परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में होती है, तो एक मूविंग कॉइल होगी जो कि फॉर्मर पे लपेटी हुई होगी और उसके साथ में पॉइंटर अटैच्ड होगा। ये फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। देखिए, ये फिक्स्ड कॉइल के दोनों पार्ट सीरीज में और मूविंग कॉइल भी सीरीज में कनेक्टेड है, जिससे कि दोनों कॉइल में सेम करंट फ्लो हो रहा है। और ये वो करंट है जो कि अपन को मेज़र करना है। जो करंट आपको मेज़र करना है, वही करंट दोनों ही कॉइल में, फिक्स्ड कॉइल में और मूविंग कॉइल में फ्लो होएगा। अब इससे क्या होगा कि फिक्स्ड कॉइल तो फ्लक्स जनरेट करेगी और मूविंग कॉइल जो है इसमें टॉर्क जनरेट होगा, और जिससे कि इंडिकेशन मिलेगा आपको। देखिए, आपने परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट अपन ने पहले पढ़े थे, जिसमें डीसी वोल्टेज और करंट अपन मेजर करते थे। तो परमानेंट टाइप इंस्ट्रूमेंट रीड्स एवरेज वोल्टेज या एवरेज करंट। और अगर इसमें अगर एसी दिया जाए, इफ़ इट इज़ फेड विद द लो फ्रिक्वेंसी एसी करंट, इट विल डिफ्लेक्ट टू एंड फ्रो अराउंड मीन पोजिशन। मीन्स पॉइंटर जो है मीन पोजिशन के अराउंड दोनों तरफ धीरे धीरे डिफ्लेक्ट करेगा, टू एंड फ्रो डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें करंट का डायरेक्शन आधे साइकिल में एक तरफ होगा और आधे साइकिल में दूसरी तरफ होगा, अगर एसी आप अप्लाई करें तो। लेकिन इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप में देखिए, दोनों कॉइल है, एक फिक्स्ड कॉइल है जो जिसके दो पार्ट और एक मूविंग कॉइल है, इसको आप दोनों ही सेम करंट पास करेंगे सीरीज में, तो टॉर्क एक ही डायरेक्शन में जनरेट होगा। क्योंकि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो होगा तो सारी कॉइल में पॉजिटिव हाफ साइकिल में फ्लो होगा, तो फील्ड का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में होगा। जब करंट रिवर्स होगा तो फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स होगा, लेकिन कॉइल में करंट का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, जिससे कि टॉर्क का डायरेक्शन सेम रहेगा, तो पॉइंटर एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। तो इस इंस्ट्रूमेंट से आप एसी करंट या एसी वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूजेज ए फिक्स्ड कॉइल स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स, इन विच करंट अंडर मेजरमेंट इज पास्ड टू प्रोड्यूस नेसेसरी मैग्नेटिक फील्ड। द टू कॉइल्स एंड द मूविंग कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड आर फेड बाय द करंट अंडर मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। तो जैसा कि फिगर में बताया गया है, तो फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल दोनों जो है सीरीज में कनेक्टेड है, और ये दोनों ही उसी करंट से पास की जाती है जो कि आपको मेजर करना है। तो ये कंस्ट्रक्शन है मूविंग कॉइल का। नेक्स्ट, जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे, द मूविंग कॉइल कैरीज ए पॉइंटर, इट्स रोटेशन इज कंट्रोल बाय द स्प्रिंग। मूविंग कॉइल पे एक पॉइंटर अटैच्ड होता है और उसका रोटेशन जो है कंट्रोल स्प्रिंग के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। डैम्पिंग इज प्रोवाइडेड बाय द एल्युमिनियम एयर वेन मूविंग इन सेक्टर सेव्ड चैम्बर। तो डैम्पिंग भी जो है एल्युमिनियम एयर वेन के द्वारा, जब पॉइंटर मूव करेगा तो डैम्पिंग भी प्रोवाइड की जाएगी इससे। एंड कंप्लीट असेंबली इज सराउंडेड बाई ए लेमिनेटेड शील्ड टू प्रोटेक्ट द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड।
तो देखिए स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्लीट असेंबली को एक लैमिनेटेड शील्ड में जो है रखा जाता है। अब टॉर्क जो डेवलप होता है मूविंग कॉइल में वो अपन लिख सकते हैं एन बी आई ए, जहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स है, बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, आई करंट है और ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब चूँकि मूविंग कॉइल, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है करंट अंडर मेजरमेंट जो है उसी से ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो आई जो है बी के प्रोपोर्शनल में होगा, तो यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब अपन बी को आई से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ आई स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इससे अपन देखेंगे कि टॉर्क जो है करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है ना, दिस शोज दैट द इंस्टेंटेनियस टॉर्क डिपेंड अपॉन द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करेगा, एवरेज टॉर्क। एवरेज टॉर्क जो है फाइनली स्प्रिंग के कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होगा, जिससे कि डिफ्लेक्शन जो है करंट के आरएमएस वैल्यू के प्रोपोर्शनल में होगा। तो इस तरह से जो है इंस्ट्रूमेंट करंट का आरएमएस वैल्यू के प्रोपोर्शनल में डिफ्लेक्शन देगा, और जिससे कि अपन एसी वोल्टेज और एसी करंट को मेजर कर सकते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड एज ए ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट एज दे गिव इक्वल एक्यूरेसी ऑन एसी एंड डीसी। एसी में भी इसको यूज कर सकते हैं और डीसी में भी यूज कर सकते हैं, दोनों इक्वल एक्यूरेसी देंगे, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी जो है वो थोड़ी कम है, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी जो है कम होती है इस इंस्ट्रूमेंट में, तो इस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी कम रहेगी, लेकिन एक्यूरेसी जो है एसी और डीसी में दोनों में बराबर रहेगी, इसलिए इसको ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करते हैं। और डिफ्लेक्शन जो है किसके प्रोपोर्शनल में होगा, करंट की आरएमएस वैल्यू के प्रोपोर्शनल में होगा डिफ्लेक्शन। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोडायनामिकर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है एसी वोल्टेज और एसी करंट को मेजर करने के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को अपन यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।